कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सवाल उठता है सबसे पहले कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। तो हाय, माय नेम इज मोहम्मद इजाजुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सवाल उठता है सबसे पहले कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, जहां हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और जहां पर ओवरलैपिंग की वजह से आपकी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक एक्सेप्शन है और कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। यहां पर होता क्या है कि हमारे पास जो भी और मौजूद है एटम, जो बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए हमारे पास दूसरे एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। अब यहाँ पर जो एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि इन दोनों के पास ही हमेशा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि एनायंस हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए जरूरी है। देन वी हैव न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी जिनके पास आपके पास लोन पेयर होने चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस तरह के एटम्स। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड से किसी सेंट्रल एटम से बाउंड हो तब हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड। ओके, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते वक्त जरूरी है कि कुछ चीजों के बारे में हमें पता हो, जो टर्म्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें यूज करने वाले हैं, जिसमें आपकी पहली टर्म आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं CO NH3 whole 6 2+, तो यहां पर ये पार्ट पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये मुझे बताता है कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मुझे दिया गया है उसमें मेरा एक पार्ट सेंट्रल एटम में कोबाल्ट है और उसमें 6 अमीन के लिगेंड्स मौजूद हैं। ओके, देन वी हैव लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो सारे सब्सटेंस हैं जो किसी सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वो चाहें तो अपने लोन पेयर्स की फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में डोनेट कर सकता है, और कुछ रेयर केसेस में हो सकता है हमें कैटायन भी देखने के लिए मिले। फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक मेटल लिगेंड से कितनी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब जैसे इस केस में यहां पर 6 लिगेंड है, तो यहां पर जो मेरा कोबाल्ट लिगेंड है वो 6 साइड से NH3 लिगेंड से घिरा हुआ है। तो यहां पर जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ये ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताते वक्त ये जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स यानी सिंगल बॉन्ड्स को ही कंसिडर किया जाए, किसी भी पाई बॉन्ड्स को यहां कैलकुलेट नहीं किया जाता। देन कम डाउन टू द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज देखने में काफी एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। नॉन आयनाइजेबल का मतलब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K2CO NH3 whole 6, तो जब अगर इसमें सॉल्यूशन में मैं डालूंगा तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर अलग नहीं होते। इसका मतलब है वो नॉन आयनाइजेबल है, वो आयंस की फॉर्म में आयनाइज नहीं होते। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डिफरेंस ये है कि जहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको सिर्फ आपको बताता है कि आपके मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको बताता है कि उस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज भी कितना है। तो समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे किसी चीज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफाइन करना है तो मुझे कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस जो कॉम्प्लेक्स गिवन है उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। जैसे यहां पर मुझे 2+ दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी प्लस नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स।
तब मैं कहूंगा कि वो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोई नेट चार्ज कैरी नहीं करती अपने मॉलिक्यूल के ऊपर। देन वी हैव ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताता है कि अगर मेरे पास कोई सेंट्रल एटम मौजूद है और उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं तो अब उस पर नेट चार्ज कितना आ चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिए। जैसे कि हम फिर से सेम एग्जांपल उठा सकते हैं कि CO NH3 होल 6 2+। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जब इसके ऊपर चार्ज है नहीं तो उसके ऊपर चार्ज आया नहीं, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक चार्ज है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज डायरेक्टली किस पर आएगा? कोबाल्ट पर। कैलकुलेशन हम इसकी इस तरह से कर सकते हैं कि कोबाल्ट के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्स, वहीं पर 6 अमोनिया के लिगेंड और सब के सब चार्ज कैरी करते हैं 0, क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, और टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना है? +2। तो यहां से अगर हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट के लिए इस कॉम्प्लेक्स में आता है 2+। ओके, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, जिसमें सबसे शुरुआती है आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेडविक ने दिया था। यह सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है जैसा कि आपके बोर मॉडल ऑफ एटम में होता है कि अगर आपका आउटर शेल फिल है तो वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। यहां पर इसे मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई किया जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद है और वो आपका अपनी नेक्स्ट नोबल गैस से कॉन्साइड करता है, क्योंकि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो हम कहेंगे मेरा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास है CO NH3 होल 6 चार्ज कैरी कर रहा है 2+, तो अगर मुझे इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो कैलकुलेट करने का सीधा तरीका, जो भी आपको मेटल गिवन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, उसके सबसे नजदीकी जो आगे नोबल गैस प्रेजेंट है वो। तो एटॉमिक नंबर जो भी सेंट्रल मेटल गिवन है और कितने लिगेंड्स आपके पास। अब लिगेंड यहां पर मेरे पास 6 गिवन है और मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कि कम से कम अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनानी है तो मेरे एक लिगेंड को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो देने होंगे। तो यहां पर मैं मार्क करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और कितने लिगेंड्स ने दिए हैं? 6 ने। पर ये अभी भी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2+ चार्ज भी है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स को बनाते वक्त लूज भी किए होंगे। तो अगर यहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो उस इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को भी यहां पर शो करना जरूरी है। तो जब हम इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27+2612-2। तो इसके लिए वैल्यू आती है आपकी 37, जबकि सबसे इसके नजदीकी सबसे नोबल गैस कौन सी है हमारे पास? 36, और इसके आगे बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला ये है, EAN इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। So, EN क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन फॉर्मेशन। जैसे यहां पर 2+ था, अगर चार्ज 2 नेगेटिव होता तो यहां पर ये चार्ज सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड किया जाएगा। देन वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स। तो जैसे कि यहां पर अमोनिया था और हर लिगेंड कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। सो सेम फॉर्मूला आगे शॉर्ट में 2 और मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 था, 6 सिग्मा बॉन्ड, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर
दैट गिव्स यू. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि ईएन और स्टेबिलिटी, सेंट्रल एटम के पास जो ईएन है वो इनर्ट गैस का ही होना चाहिए. यहाँ पर ज़रा भी डेविएशन आने की जैसे, चाहे वो एक एटम, एक एटॉमिक नंबर का फर्क, एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है या दो का, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और इस बात के पोटेंशियल चांसेस है कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए. ठीक है, ओके. अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा आप इस पर जरा दो मिनट का वक्त दें. मेटल कार्बोनाइल्स, एक मेटल कार्बोनाइल आपको गिवन है जिसका फॉर्मूला है MCOX, जिसमें हमें X की वैल्यू दी नहीं गई है. अब सवाल ये उठता है कि यहां पे बताना है नंबर ऑफ कार्बोनाइल यूनिट्स मेटल से कोऑर्डिनेट कितने हैं. और यहां पर हमें दिया गया है कि जो मेटल है वो Fe हो सकते हैं, Cr है और Ni है. इन तीनों के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि जब अगर मैं सेंट्रल एटम को Fe यानी कि आयरन, क्रोमियम और निकल से रिप्लेस करूंगा तो जो कोऑर्डिनेशन है वो निकल के हिसाब से कैसे बदलेगा. और इसे हमें सॉल्व किसके बेसिस पर करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस पर. और उन्होंने बताया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है वो 36 है. अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं. अब उसने मुझे कहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 के बराबर है और मैं सॉल्व कर रहा हूं Fe के लिए. कोबाल्ट और निकल के लिए आप खुद ट्राई करेंगे. मैं कोबाल्ट के लिए कर देता हूं. कोबाल्ट है आपके पास, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 27. अब कार्बोनाइल की बात किया जाए तो कार्बोनाइल आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है. ये हम अभी आगे लिस्ट में चेक करेंगे. कार्बोनाइल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है. इसका मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, जहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है किसी चार्ज को जो हमने प्रीवियसली किया था. उसके अलावा अब क्योंकि हर कार्बोनाइल एक सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और टोटल वैल्यू एक्स, कि एक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर एक कार्बोनाइल दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो 36 इक्वल्स टू 27 प्लस 2x, माइनस किया 36 माइनस क्रोमियम दिया हुआ है, मैंने कोबाल्ट के लिए सॉल्व कर दिया. तो यहां पर क्रोमियम है, ये होना चाहिए 24. तो यहां आएगा 24 माइनस इक्वल्स टू में 2x, तो इन्हें अगर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10, 2x, x की वैल्यू आ गई 5, 2 से ये 5 टाइम्स. तो क्रोमियम के साथ जो कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो कर रहा है तो उसका फॉर्मूला ये आता है. ठीक है, एक मिनट, क्या मैंने कोई गलत की, 24 माइनस 36 64, ओके यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर 12 आना चाहिए. 12 और ये गया 6 टाइम, तो यहाँ पर आना चाहिए 6. ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे. अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना दो तरह के होते हैं. अब बेसिस ऑफ एडिशन के बेसिस पर उन्हें समझाया जा सकता है, जैसे कि आपका है डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे हैं क्योंकि एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, पर इनके बीच एक डिफरेंस है. डबल सॉल्ट की बात की जाऊँ तो डबल सॉल्ट नॉर्मली आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करती है. सॉलिड का मतलब आपके घर में अगर आप पोटाश आलम की बात करें, तो फिट क्री की, अगर आपके घर में कोई शेव करता है तो उसे एक एज आफ्टर शेव यूज़ करते हैं. तो डबल सॉल्ट में वो सिर्फ एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो आप कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, वो आयनाइज नहीं होता सॉल्यूशन में. पर डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करता है. अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूं तो ये अपने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास मोहर सॉल्ट है, अगर मैं इसे वाटर में डिजोल्व करूंगा सॉलिड स्टेट में, ये कंप्लीट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इसका, लेकिन अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूंगा तो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है, जिसमें आपका अमोनियम, दो अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, उसके अलावा आपके SO4 2 माइनस और Fe 2 प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके फ्री एग्जिस्ट हो जाएंगे.
अगर क्योंकि ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में खो देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूं तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। और डबल सॉल्व की जो प्रॉपर्टीज है वो इस बात पर डिपेंड, उनके कॉन्स्टेंट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंपाउंड्स में जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखता हूं FeCN होल 6, ये है फेरोसाइनाइड K3। अब देखा जाए तो इसमें साइनाइड है। अब हम जानते हैं कि जो साइनाइड है यूजुअली जो KCN है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इसे एक हजार्डस कंपाउंड कहा जाता है, इतना हजार्डस कि इट कैन पोटेंशियली किल यू। लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल है और ये पॉइजनस नहीं है। ये पॉइजनस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसे सोल्यूशन में डालूंगा तो 3K+ तो इससे अलग हो जाएंगे, पर ये जो नॉन आयनाइजेबल वाला पार्ट है ये मेरा इससे अलग नहीं होता। तो जब यहां पर साइनाइड रिलीज हुआ ही नहीं तो KCN बना नहीं। अब KCN बना नहीं तो इसका मतलब कोई भी पॉइजनिंग KCN की जो एग्जिस्ट करती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन डबल सॉल्ट में ऐसा कोई चक्कर नहीं, डबल सॉल्ट में वो कम डिसोसिएट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैंने कोई डबल सॉल्ट बनाया जिसमें पोटेशियम और CN साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इस बात के पोटेंशियल चांसेस है कि KCN फॉर्म होकर टॉक्सिसिटी कॉज की जा सके। अच्छा, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डबल सॉल्ट कि अगर आपके पास कोई डबल सॉल्ट है तो उसका नाम कैसे लिखा जाए। डबल सॉल्ट में आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स हैं उन सबके बीच में हाइफन लगाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी मोहर सॉल्ट लिखा था, उसमें अमोनियम सल्फेट था और फेरस सल्फेट था, तो मैं यहां लिखूंगा अमोनियम सल्फेट हाइफन फेरस सल्फेट और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर आएगा 116। 11 क्यों? इसमें एक अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल था NH4SO4 और एक ही मेरा FeSO4 था। अगर यहां पर होल ट्वाइस जैसी कोई चीज आएगी तो वो यहां पर नंबर में लिखा जाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर 6 कोऑर्डिनेशन को दिखाने के लिए। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ डबल सॉल्ट ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, इसलिए आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, हमें जो मेन पढ़ना है वो ये है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये वो कंपाउंड है जो सॉलिड हो या सॉल्यूशन हो, अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं है। सो अब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, विच इज K2FeCN होल 6, इट डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Fe2 एंड इज नॉट पॉइजनस लाइक पोटेशियम साइनाइड। वाई? अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये वाटर में जाके इस फॉर्म में, ओके, ये रहा इसकी इक्वेशन, इन फॉर्म में टूट जाएगा। अब क्योंकि अब यहां पर ये पार्ट नॉन आयनाइजेबल है, यहां से साइनाइड रिलीज नहीं हुआ तो KCN तो फॉर्म होगा नहीं, जैसा हमने अभी बताया। इसका मतलब पोटेशियम साइनाइड की जो पॉइजनिंग है वो हो ही नहीं सकती क्योंकि साइनाइड फ्री ही नहीं है। अब कंपेयर करने जाए Fe की, तो पहले Fe की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी। सो FeX साइनाइड, हर साइनाइड CN माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और ऐसे कितने हमारे पास 6, तो हमारे पास 6 लिगेंड है -1 चार्ज कैरी करने वाले और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज -4 का। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आया हमारे पास +2। अब देखा जाए तो Fe2 पर +2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब इस कंपाउंड को Fe2+ का टेस्ट तो देना चाहिए था, पर क्योंकि ये पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये मॉलिक्यूल ये एटम फ्री ही नहीं है उस कोऑर्डिनेशन उस ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका Fe2+ का कोई टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके जितने भी टेस्ट बेस हैं किसी एलिमेंट को फाउंड करने के लिए वो फ्री एलिमेंट्स के लिए है, पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये चीज एक दूसरे से बाउंड है, आयनाइज नहीं होती, इसलिए इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब आते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को क्या हमने बताया, लिगेंड्स आपके डोनर एटम्स होते हैं,
लिगेंड्स आपके डोनर आइटम है जो किसी सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब इन्हें डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया जाता है, इनके बेसिस पे चार्ज, अगर हो सकते हैं वो एनायनिक, जैसे मैंने बताया कि वो नेगेटिव चार्ज कैरी करें, S2- F- Cl- Br- तो उन्हें कहेंगे एनायनिक लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके पास देने के लिए चार्ज हो लेकिन लोन पेयर की फॉर्म में, जैसे कि आपके पास हो सकता है OH, ROH, NH3, R2NH3, R2NH2, R3NH और R4N। कैटायनिक लिगेंड्स की बात की जाए तो कैटायनिक लिगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बहुत रेयरली फाउंड होते हैं। कैटायनिक लिगेंड्स आपके बहुत रेयरली फाउंड हैं, इन्हें ज्यादातर कंपाउंड्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस हैं। देन हमारे पास आता है डेंटिसिटी। अब आखिर में डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी का मतलब है कि एक मेटल, एक लिगेंड मेटल के साथ एक वक्त पर कितनी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अब डेंटिसिटी का मतलब है मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है वन, इसका मतलब कोई लिगेंड मेटल के साथ एक वक्त पे अपनी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसका एग्जांपल है आपके पास H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देने के लिए होते तो दो लोन पेयर हैं पर डोनेट सिर्फ एक ही करता है। देन आपके पास NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है, सिर्फ एक लोन पेयर कैरी करता है और Cl- क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही चार्ज है देने के लिए, इसलिए। देन वी हैव बाइडेंडेट। बाइडेंडेट का मतलब जो एक वक्त में अपनी दो डोनर साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल के साथ बाइंड करने के लिए। इसमें आपके पास आता है इथाइलीन डायनामीन, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं EM। देन वी हैव PN विच इज प्रोपाइलीन डायनामीन। एक डोनर साइड यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर है और दूसरी डोनर साइड भी यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों डोनर नाइट्रोजन पे ही हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट का मतलब जो एक वक्त में तीन साइड्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके पास आते हैं डाइएथाइल ट्रायामीन, एक डोनर साइट ये रही, दूसरी डोनर साइट ये रही और तीसरी डोनर साइट ये रही। फिर आपके पास आता है इमडा, यानी कि इमिनो डाई एसेटेट, जिसमें एक डोनर साइट तो NH की है, दूसरी डोनर साइट कौन सी है? दूसरी डोनर साइट इसकी तब आती है जब ये सॉल्यूशन में जाता है, ये सॉल्यूशन में जाकर आयोनाइज होता है, जिसमें आपका पार्ट बनता है ये CO- एसेटेट आयंस की फॉर्म में। अब डोनर साइट कितनी है? एक और दो इन एसेटेट आयंस की। इसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब सीधा है जो एक से ज्यादा डोनर साइट रखे, इसका मतलब ट्राइडेंटेट भी इसके अंदर आते हैं, ट्राइडेंटेट बाइडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट का मतलब जिनके पास दो या दो से ज्यादा साइट हो और वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करें। इसमें हमारा सबसे अच्छा जो आता है हमारे पास लिगेंड, उसका नाम है EDTA, इथाइलीन डायामीन टेट्रा एसिटेट, जो कि असल में एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट का मतलब इसके पास छह डोनर साइट है। छह डोनर साइट कैसे? एक ये OS माइनस वाली, जब ये आयनाइज हो जाएगा इस H को रिमूव करके, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर, पांचवी और छठी। इसलिए आपका EDTA क्या है? एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके, अब कुछ स्पेशल टाइप्स के लिगेंड जो आपकी यूजुअल कैटेगरीज में फिट नहीं होते, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है फ्लेक्सीडेंटेट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जो अपनी डेंटिसिटी को लेके फ्लेक्सिबल हो, मतलब जरूरत पड़ रही है तो एक वक्त पे मोनोडेंटेट एक्ट कर रहा है और जरूरत पड़ रही है तो बाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस या मेटल कैसा है। जिसका प्राइम एग्जाम्पल आपके आगे है एक सल्फेट आयन, जिसमें ये एक वक्त में ये दो डोनर साइड इस्तेमाल कर सकता है ऑक्सीजन की अपने नेगेटिव चार्ज के लिए, और अगर मेटल के पास उतना स्पेस है ही नहीं तो वो सिर्फ एक ही O- को इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो एक्स्ट्रा जो डेंटिसिटी इस्तेमाल नहीं की गई, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपको चार्ज के रूप में नजर आएगा। सिमिलरली आपके पास है आपके पास कार्बोनाइल, CO3 2- कार्बोनेट, एक मिनट,
तो दो डोनर साइट है, इसका मतलब ये बाइडेंडेट भी एक्ट कर सकता है और मोनोडेंडेट भी एक्ट कर सकता है, जैसा कि आपका सल्फेट कर रहा था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि EDTA भी आपका एक तरह का फ्लेक्सीडेंडेट लीगेंड है। हेक्साडेंडेट तो है, पर जैसा कि मैंने बताया कि हेक्साडेंडेट एक करने के लिए उसे अपने बाकी के जो एसेट टेट्रा एसेटेट वाले पार्ट है वहां से चार हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा ताकि वो अपनी डेंसिटी को चार से बढ़ा सके। अब क्योंकि H प्लस रिमूव करना एक एसिडिक बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा तब जाकर आप EDTA से उसकी मैक्सिमम डेंसिटी पर काम ले सकते हैं, पर अगर आपका सोल्यूशन बेसिक ना होकर एसिडिक हुआ तो वो H प्लस जो एसिडेट के पास मौजूद थे वो रिलीज नहीं होंगे। उस केस में EDTA सिर्फ अपने नाइट्रोजन्स के लोन पेयर को इस्तेमाल करेगा और डेंटिसिटी सिर्फ दो पर रुक जाएगी। इसलिए EDTA भी क्या है, एक फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड है। देन हमारे पास आते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अब चिलेट ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रिंग। अब ऐसी लिगेंड्स जो मेटल को बाउंड कर ले अपनी एक के दूसरे दो या उससे ज्यादा डोनर साइड को इस्तेमाल करके उसके अराउंड एक रिंग फॉर्म कर ले तो उसे बोलते हैं चिलेशन, और जो ये काम कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग चिलेटिंग लिगेंड। सो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अ लिगेंड व्हिच फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल एटम कॉल्ड अ चिलेटिंग लिगेंड। ऑल पॉलीडेंडेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड, जितने भी आपके पॉलीडेंडेट हैं यानी दो और उससे ज्यादा। कभी भी कोई मोनोडेंडेट आपका चिलेटिंग की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब चिलेटिंग कंपाउंड जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है CO NH3 होल 6 और मैं इसमें डालता हूं EDTA, ठीक है, और सोल्यूशन मेरा मैंने बता दिया बेसिक है, तो यहां पर क्या होगा कि 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो जो कोबाल्ट है वो बन जाएगा मेरा कोबाल्ट EDTA टू प्लस। सो इस केस में क्या है, जो 6 अमोनिया रिलीज हुए तो जब भी कोई चिलेटिंग एजेंट सिस्टम में ऐड होता है वो सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा देता है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। अब ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की वजह से मेरे जितने भी चिलेटिंग एजेंट हैं वो नॉर्मल कंपाउंड्स के मुकाबले ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि कई बार मॉलिक्यूल आपका हो सकता है पॉलीडेंडेट हो पर वो फिर भी एक चिलेटिंग लिगेंड एक्ट ना करे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर है लेकिन फिर भी एक चिलेटिंग एजेंट नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर दोनों हाइड्रोजन अपनी डोनर साइड का इस्तेमाल करके अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर भी लेंगे बाइडेंडेट की तरह एक्ट करके तो यहां पर जो रिंग बनेगी ना वो 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग की वजह से ये जो एंगल स्ट्रेन है ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, इन बॉन्ड्स पर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन बनेगा जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगी, और जब स्टेबल नहीं है इसका मतलब ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी आपको किसी लिगेंड को अगर आप चिलेटिंग लिगेंड क्लैरिफाई बताना चाह रहे हैं, कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि उसकी दो डोनर साइट्स के बीच, यहां पर मैं डी लिखता हूं, कम से कम 2 कार्बन का गैप होना चाहिए। अगर उसके उसमें 2 कार्बन का गैप नहीं है तो आप उस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कंसिडर नहीं कर सकते। अब यहां पर आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग्स कि अगर आपके पास कोई चिलेट मौजूद है तो वो रिंग्स फॉर्म कैसे करेगा। तो 5 मेंबर की सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, 6 की थोड़ी कम। 6 की कम इसलिए होती है कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ने लगता है सिंग आपकी जो रिंग है वो आपकी नॉन प्लेनर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेन को कम करने के लिए, अब स्ट्रेन कम करने के चक्कर के बॉन्ड टूट सकती है,
देन आपकी फोर मेंबर्ड और सबसे लीस्ट स्टेबल होती है आपकी थ्री मेंबर्ड रिंग। इसके बाद आते हैं आपके पास एम्बीडेंडेड लिगेंड्स। एम्बीडेंडेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एक वक्त पर अपनी एक ही साइड का इस्तेमाल करें, होते ये मोनोडेंडेट है, इनके पास दो डोनर साइट मौजूद है पर ये बाइडेंडेट नहीं है, दो डोनर साइट होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये एक वक्त में सिर्फ एक ही साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉन्डिंग करने के लिए। जैसे कि साइनाइड की बात करो तो साइनाइड पे जो CN- है ये चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर है, तो इस चार्ज का इस्तेमाल करके कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है मेटल कार्बन मेटल के साथ, या फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज करके मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ऑल्दो दो डोनर साइट मौजूद है पर एक वक्त में सिर्फ एक ही साइट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए साइनाइड क्या है, आपका एक मोनोडेंडेट लिगेंड है लेकिन एम्बीडेंडेट। सेम केस आता है आपके पास बाइडेंडेट एम्बीडेंडेट लिगेंड्स का, ऐसे लिगेंड जो बाइडेंडेट तो हो लेकिन फिर भी एम्बीडेट। कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर थायोकॉक्सिलेट में यहाँ पर दो डोनर साइट है जो बॉन्ड कर रही है और वहीं पर रेजोनेंस के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूल कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी डोनर साइट सल्फर पर कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर डेंटिसिटी चेंज नहीं हुई है पर जो मेटल टू लिगेंड कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो गया। इस तरह के लिगेंड्स को हम बुलाते हैं एम्बीडेंडेट लिगेंड। अच्छा अब लिगेंड्स को और भी कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें आते हैं आपके पास सिग्मा डोनर्स, पाई डोनर्स और पाई एक्सेप्टर या फिर पाई एसेट्स। जो मेरे सिग्मा डोनर्स होते हैं, सिग्मा डोनर्स मेरे ज्यादातर मेरे मोनोडेंडेट लिगेंड्स, मेरे सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा डोनर्स होते हैं। सिग्मा डोनर्स का मतलब ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन साइट का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। फिर आते हैं मेरे पास पाई डोनर, तो क्या मेरे पाई डोनर सिग्मा नहीं हो सकते? पाई डोनर भी सिग्मा हो सकते हैं। पाई डोनर होने का ये मतलब है कि पहले वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पहले क्या करेगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके तभी बाद वो पाई डोनर बन सकता है। देन वी हैव पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर का मतलब यूजुअल क्या है, आपके पास जितने भी मेटल कार्बोनाइल जितने भी मेटल लिगेंड बॉन्ड है यूजुअली आपके लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पर अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब उस केस में ऐसा है कि जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है तो मेटल के लिए स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना कि एक्सेप्टिंग। तो इस इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज की वजह से कई बार मेटल पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वापस लिगेंड को लौटाने लगता है उसके फ्री मॉलिकुलर ऑर्बिट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, जो कि आपका सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है, ताकि अपने ऊपर का वो नेगेटिव चार्ज कम कर सके। अगर कोई लिगेंड मेटल से चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में वो लिगेंड कहलाएगा मेरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पर वहीं अगर मेरा कोई मेटल है जैसे कि आपका अल्कीन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, मेरा एक पाई डोनर है। क्यों? क्योंकि अपने पाई डोनर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट कर रहा है। पर ये वाले जो कंपाउंड्स है ये हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नहीं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल है मेटल और Cl- है तो ऑल्दो ये वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सॉरी नॉट Cl-, अगर मैं बात करूं Cl-, Cl- मेरा एक सिग्मा डोनर है प्लस एक पाई डोनर। पाई डोनर इसलिए क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड तो बना लेगा अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करके, लेकिन इसके पास तीन लोन पेयर भी हैं जो इसके प्योर पी ऑर्बिटल में रखे हैं, तो ये उन पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के किसी भी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड भी फॉर्म
कर लेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो किसी भी कंपाउंड के लिए पाई डोनर एग्जिट करने के लिए जरूरी क्या है कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए प्लस नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। अगर उसके पास सिर्फ लोन पेयर है तो वो सिर्फ सिग्मा डोनर, अगर उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो भी सिग्मा डोनर, पर लोन पेयर प्लस में नेगेटिव चार्ज तो वो मॉलिक्यूल एक पाई डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। पाई एक्सेप्टर के लिए, पाई एक्सेप्टर के लिए जरूरी ये है कि जो मेटल आपका इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, मेटल वापस डोनेट कर रहा है, मेटल की ऑक्सीडेशन जितनी हो सके उतनी लो होनी चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि उसके ऊपर चार्ज जितना हो सके उतना कम, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसी चार्ज को कम करने के लिए तभी वापस इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी लिगेंड आपके पास मौजूद है उसके पास कहीं ना कहीं पाई स्टार या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। जैसे कि कार यहाँ पर कार्बोनिल की बात कर सकूं, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जैसे सिग्मा बॉन्ड बनी, अल्कीन की में पाई बॉन्ड बनी। अगर मेटल के ऊपर एक्सेस चार्ज बढ़ जाता है तो यहाँ पर कार्बोनाइल का जो पाई स्टार लिगेंड है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन का वापस भेजना है लिगेंड की तरफ, इसे बोलते हैं सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग। सिनर्जिस्टिक क्या करती है, मॉलिक्यूल को कई गुना ज़्यादा स्टेबल कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल के ऊपर से उसका नेगेटिव चार्ज जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव जब भी कोई मेटल लिगेंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आने की जैसे उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेज रहा है जो मॉलिक्यूल के ऊपर से उसके चार्ज को कम कर देता है, जिस वजह से स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो उसका नाम कैसे लिखा जाए। तो नाम लिखने का तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर मौजूद है और उसके पास कोई काउंटर आयन मौजूद है, जनरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आपके कैटायंस हैं वो आगे लिखे जाते हैं और आपके एनायंस आखिर में। तो जब इनका नाम लिखा जाएगा तो इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा, कैटायंस का नाम हम लोग पहले लिखेंगे और एनायंस का नाम आखिर में, और बीच में आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम। तो यहां पर है जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। कैटायन अगर यहां पर एनायन नहीं है तो यहां पर सिर्फ कैटायन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास प्रेजेंट है, इधर ये जो कैटायन और एनायंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आते हैं इन्हें बोलते हैं काउंटर आयंस। काउंटर आयंस का काम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। सो कैटायन का नेम फर्स्ट आएगा क्योंकि वो आगे है, और अगर कैटायन एब्सेंट है और सिर्फ एनायन मौजूद है तो एनायन का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लिखा जाएगा। अब जो लिगेंड्स हैं उनका नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉर एग्जाम्पल अजाइडो ए से शुरू होता है, तो अगर आपके किसी एजाइडो ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा, देन क्लोरो परोक्सो ब्रोमो। अगर आपके पास परोक्सो और ब्रोमो दो लिगेंड मौजूद हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए परोक्सो लिगेंड से पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा। और जितने भी आपके एनायनिक लिगेंड्स हैं यानी जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उन सबके नाम में आखिर में हम लोग ओ लगाते हैं, जैसे कि अजाइडो, क्लोरो को ज्यादातर हम लोग क्लोराइडो लिखते हैं और ब्रोमो को लिखते हैं ब्रोमाइडो, पर हाइड्रोक्सिडो साइनो या फिर साइनाइडो, सल्फाइडो ओ टू माइनस के लिए ऑक्सो अमाइडो, हाइड्रैक्सो कार्बोनेटो ऑक्सिलेटो सल्फेट। ओके, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल लिगेंड मौजूद है तो जैसे कि वाटर के लिए हम लिगेंड नेम यूज करते हैं उसका एक्वा, NH3 के लिए यूज करते हैं अमीन, अमीन का मतलब डबल एम यूज करना है, नॉर्मल अमीन नहीं। देन वी हैव कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल एंड थायो कार्बोनाइल। अच्छा, पॉजिटिव लिगेंड्स का केस रेयर है, ये आपको यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये एक्ट कर नहीं सकता लिगेंड की तरह नाइट्रोसीलियम और ये हाइड्राजीनियम।
अगर आपके पास कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार कॉम्प्लेक्स में आता है, जैसे कि CONH3O6, तो यहां पर ये 6 टाइम आया, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। नाम क्या आएगा इसका? हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ये इसका नाम आएगा। तो हम यूज करेंगे मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, और जैसे यहां पर 6 है तो मैंने यूज किया है हेक्सा। अगर आपके किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई जैसे कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है, उस केस में लिगेंड के नाम के आगे आप हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्रिस। बिस का मतलब है 2 के लिए, ट्रिस का मतलब 3, और टेट्रा केस 4 के लिए। 5 है तो उसके लिए आता है पेंटिस। ओके, एग्जाम, और इसका नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यानी कि पैरेंथेसिस, ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं। जैसे यहां पर है मेरे पास NiCl2PPH3O2, ये है मेरा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, तो इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई आ रहा है, इसलिए जब इसका मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम कैसा आएगा? इसका नाम आएगा डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन तो एक ही है, 2 बार है। देन बिस, क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई आ गया, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन निकल 2। जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पर आएगी वो हमेशा लिखी जाएगी रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहां पर है PtCl4 2-, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो जो भी आपका मेटल प्रेजेंट है उसके नाम के आखिर में आप लगाएंगे 8। अगर यहां पर चार्ज कैटायनिक चार्ज प्रेजेंट है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो उस एलिमेंट का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मेटल नेम सेम है, एग्जांपल के तौर पर कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स कैटायन वॉल्ट कोबाल्ट, उसे नॉर्मली कोबाल्ट लिखेंगे, पीटी है तो प्लैटिनम। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तब उसके नाम में आखिर में 8 लगेगा, उसका नाम क्या बनेगा? कोबाल्टेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, वेनेडियम है तो वेंडेट। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते क्या ध्यान रखना है हमें, कि कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम आखिर में, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और बिना इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, और फिर लगातार बिना कोई स्पेस छोड़े लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल का नाम, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर फिर आप डालेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और कैटायन और एनायन है तो उनके बीच में स्पेस देना है। ये ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते वक्त सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्पीशीज के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना। कैटायंस के लिए आप स्पेस छोड़ेंगे और एनायन के लिए भी आप स्पेस छोड़कर नाम लिखेंगे, सेम गोज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब कुछ एग्जांपल से सॉल्व करने के लिए, जैसे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl2H2O4Cl, तो यहां पर मेरे पास क्लोरीन मौजूद है Cl, H2O एक्वा ए से, और एक काउंटर आयन में Cl मौजूद है, सो इसका नाम आएगा टेट्रा एक्वा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका ए पहले आता है, तो क्लोरीन से पहले नाम वाटर का लिखा जाएगा, विच इज टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, क्योंकि Cl 2 है तो डाई क्रोमियम, बिना कोई स्पेस छोड़े कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आइडेंटिटी का नाम एक ही बार में। देन आता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आप लिखेंगे स्पेस देकर थोड़ा सा जो काउंटर आयन मौजूद है। अब काउंटर आयन नाम के आखिर में है, तो काउंटर आयन का नाम भी बिल्कुल आखिर में, लेकिन ध्यान रखिए जब इस चीज का फॉर्मूला लिखा जाएगा तब उल्टा है, तब लिगेंड से पहले आपको सेंट्रल एटम लिखना होगा फॉर्मूले में, पर नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त मेटल का नाम सबसे आखिर में आएगा। ओके, अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए जिसमें फॉर्मूला लिखना है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
ओके, टेट्रा का मतलब फोर, यानी कि चार अमीनो। एक्वा के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल वाटर होगा। देन वी हैव क्लोराइडो, फिर कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब Cl है। फिर लिखा है कोबाल्ट, और ये आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस तीन की। अब सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड लिखा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड लिखकर आप नहीं छोड़ सकते। ये जरूरी है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज की वजह से आई है। ये काउंटर आयन क्या करने आया था, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने आया था। तो पहले ये जरूरी है कि आप चेक करें कि उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज रहा कितना होगा, ताकि उतने ही काउंटर आयन आप यहां पर लगा सके बैलेंस करने के लिए। जैसे कि कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चार लिगेंड अमोनिया के कोई चार्ज कैरी नहीं करते, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। सेम गोज फॉर वाटर, एक मॉलिक्यूल है चार्ज जीरो कैरी करता है, Cl एक मॉलिक्यूल है लेकिन चार्ज माइनस वन कैरी करता है। अब इसे पहले मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा। तो जीरो जीरो थ्री माइनस वन यानी कि प्लस टू, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, प्लस टू का। अगर चार्ज प्लस टू है तो कितने नेगेटिव लगेंगे इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि यहां पर नेगेटिव करने के लिए मेरे पास Cl है और एक Cl एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के लिए यहां पर मुझे दो Cl लाने होंगे। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या आया, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये रहा, CONH3 whole 4 H2O Cl Cl2, जो कि हमारा एकदम मैच कर गया। नेक्स्ट मैं यूज करूंगा ये डी वाला, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन, ये शॉर्ट है इथाइलीन डायमीन के लिए EN, डाइक्लोराइडो इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। तो डाइक्लोराइडो का मतलब दो Cl, बिस क्योंकि इसी के बारे में है इसका मतलब EN दो आए होंगे, कोबाल्ट है और फिर से क्या है प्लस थ्री में है, कोई चार्ज मुझे दिख नहीं रहा है। इस अभी हो सकता है आयन की फॉर्म में हो, तो एक बार चेक करते हैं। EN चार्ज जीरो कैरी करता है तो जीरो, Cl दो माइनस तो तीन प्लस, माइनस दो इक्वल्स टू जीरो, यानी ये चार्ज कैरी कितना करेगा, प्लस वन का। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आएगा प्लस वन, CO Cl2 EN2 चार्ज कैरी करेगा प्लस वन। बाकी के एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये है नॉमेनक्लेचर। ओके, IUPAC लिखना है, फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले PT, अमीन A से शुरू होता है, CLC से शुरू होता है, नाइट्रेट शुरू होता है मेरा N से। तो सबसे पहले नाम आएगा अमीन का, अमीन के दो मॉलिक्यूल तो हो जाएगा डाय अमीन, Cl एक है, क्लोराइडो, देन हमारे पास NO2 है जिसका आता है नाइट्राइटो, सब कुछ वन वन है तो मोर लिखने की जरूरत है नहीं, और फिर आता है मेरे पास PT। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है नेगेटिव, तो प्लैटिनम का नाम एज इट इज जाएगा, यानी कि प्लैटिनम विदाउट स्पेसेस। अब यहां पर निकालनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अमीन जीरो चार्ज कैरी करते हैं, NO2 माइनस वन चार्ज कैरी करते हैं, और Cl दो माइनस कैरी करता है। तो PTX दो Cl के लिए माइनस टू चार्ज, और एक NO2 माइनस के लिए एक माइनस चार्ज, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज टोटल जीरो है। तो हम सॉल्व करेंगे तो X के ऊपर आएगा चार्ज प्लस वन, तो यहां पर प्लैटिनम कितना है मेरा, ओके NO2 टू माइनस होता है, दो चार्ज कैरी करता है, तो यहां पर मेरा आएगा प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी टू, डायमीन डाइक्लोराइडो NO2 थ्री माइनस होते थे, NO2 थ्री माइनस, ठीक है। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, एंड थैंक यू।